अच्छी कौमें होती हैं ना, वो अपने बड़े मकासद को, अपने शहीदों को और अपने जो दुश्मन होते हैं उनको याद रखती हैं। कश्मीर जो है हमारे बहुत प्रायोरिटीज में से एक है। कश्मीर छोड़ें, गुजरात, दिल्ली और हैदराबाद, दक्कन वगैरह, वो सारे इंशाल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल आपके पास है, सबसे ज्यादा आपके पास प्राइवेट सिक्योरिटी है, इसको रखने की वजह क्या है? हम लोगों ने जिस जिस जगह पे तंजीम साजी की, हम लोगों ने जिन भी डिस्ट्रिक्ट में जाके अपने यूथ प्रेजेंट्स बनाए, वहाँ पे हमारे यूथ प्रेजेंट्स को थ्रेट करना शुरू कर दिया गया। हम लोग कतन लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं है। प्रोटोकॉल के ऊपर तनकीद होती है पाकिस्तान के अंदर। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है ना, ये गार्ड्स हैं, ये सब वॉलंटियर्स हैं। हमारी मूवमेंट से ना तो आज तक कभी किसी को डिस्टर्बेंस हुई, ना हमने कभी किसी को हिरासा करने की कोशिश की। जमहूरी वतन पार्टी बलोचिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाती थी, आज जमहूरी वतन पार्टी के बाद चंद नशिस्तें, ये पार्ट ऑफ गेम है, इसको आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते कि आज ज्यादा है कल कम है। आपको लगता है कि पंजाब के अंदर आप मुस्तकबिल में कोई एक सीट भी निकाल सकेंगे? हाँ साहब, वो पूरे पाकिस्तान में कोई कह सकता था ये एक भी सीट निकालेंगे, आज वो वजीर आजम पाकिस्तान है। पीडीएम ये कहती है, नून लीग ये कहती है कि ये जमात नाकाम हो चुकी है, सैनेट इलेक्शन के अंदर आपकी जमात अपना नुमाइंदा नामजद करेगी? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन हमारे साथ हैं जमहूरी वतन पार्टी के यूथ के सदर कामरान सईद उस्मानी साहब, जो कि आज कश्मीर डे के ऊपर रैली का इनकार किया है। नाज़रीन इससे पहले ये देखा जाता है कि जो हमारे सियासतदान हैं कश्मीर डे के ऊपर अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, एक बयान दे के अपनी जान छुड़वा लेते हैं, लेकिन नाज़रीन उस्मानी साहब की ये खसूसियत है कि हर साल वो रैली का इनकार करते हैं और नौजवानों में कश्मीर के हवाले से जज्बा उजागर करते हैं कि हमारे कश्मीरियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हमारे कश्मीरियों के साथ ज्यादती की जा रही है, लेकिन जो हमारे इस्लामिक ममालिक हैं वो इसके ऊपर खामोश हैं। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस काविश को ये हर साल किस तरह मुमकिन बना लेते हैं, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि हर साल आप रैली का इनकार करते हैं, इस चीज़ को किस तरह मुमकिन बनाते हैं? अनस सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों का मेन जो पर्पस होता है ना कश्मीर डे की रैली करने का, वो ये होता है कि जो हमारे नौजवान हैं ना उनके अंदर एक जज्बा कायम रहे। जैसे आप देख लेना, बहुत से आपके मुल्क के अंदर ऐसे अनासर हैं जो आज भी ये बात करते हैं कि जनाब एक दिन कश्मीर के लिए रैली निकालने से या फिर सड़कों पर निकलने से क्या हो जाएगा। हम मानते हैं कुछ नहीं होगा उससे, एटलीस्ट ये होता है जो अच्छी कौमें होती हैं ना वो अपने बड़े मकासद को, अपने शहीदों को और अपने जो दुश्मन होते हैं उनको याद रखती हैं। ठीक है, कश्मीर जो है हमारे बहुत आप कह लें प्रायोरिटीज़ में से एक है, मकासद की प्रायोरिटीज़ में से एक है। आप देखें जो बाकी ममालिक को देख लें या बाकी कौमों को देख लें, इजरायली नौजवानों को देख लें, वो आज भी जो है अपनी सड़कों पे निकलते हैं प्ले कार्ड्स लेके, उन पे लिखा होता है कि जनाब मुसलमानों खैबर तुम लोग की आखिरी फतह थी और हम लोग उसका बदला भी लेंगे। वो अगर इतना पुराना जो हज़रत हैदर करार के ज़माने में हुआ था, हज़रत अली ने जो फतह किया था, उसको नहीं भूलते तो हम कश्मीर को किस तरह भूल जाएं? पर ये कौन सा दूर बात रहेगी, आप इंडिया के हालात नहीं देखते? गुजरते हुए दिन के साथ इंडिया के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो हम तो बड़े पुरउम्मीद हैं, बल्कि अब मौजूदा हालात देखते हुए हमें तो ये नज़र आ रहा है कि ये कुछ मेरे ख्याल से सालों की बात रहेगी है कि कश्मीर छोड़ें, गुजरात, दिल्ली और हैदराबाद, दक्कन वगैरह, वो सारे इंशाल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल आपके पास है, सबसे ज़्यादा आपके पास प्राइवेट सिक्योरिटी है, इसको रखने की वजह क्या है? आपको ख़तरा किस चीज़ से है? देखें ख़तरे की बात नहीं है, जब आपने यूथ को अपने साथ एंगेज करना होता है ना, जब आपने किसी को कोई गिफ्ट देना होता है तो आप उस रैपर में रैप करके देते हैं जो जिस बंदे को गिफ्ट देना हो उसे पसंद हो। मसला ये है कि जब आप पंजाब के अंदर काम कर रहे होते हैं तो यहाँ तो एक चेयरमैन जो है वो अपने इलाके के अंदर दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को आने नहीं देता। हम लोगों ने जिस जिस जगह पे तंजीम साजी की, हम लोगों ने जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में जाके अपने यूथ प्रेजिडेंट्स बनाए, वहाँ पर हमारे यूथ प्रेजिडेंट्स को थ्रेट करना शुरू कर दिया गया, उन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने एक वाज़ेह पैगाम दिया कि जनाब हम लोग कतन लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं, हम किसी को थ्रेट नहीं करते, हम किसी को हरासा नहीं करते, आप हमारी तकरीरें सुनें उसमें कतन किसी के लिए कोई धमकी नहीं है किसी को हरासा करने लिए, लेकिन इतने लाइट भी नहीं है कि जनाब आप हमारे यूथ प्रेजिडेंट्स को या हमारे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें या फिर उनके घरों में जाकर उन्हें हरासा करें। लेकिन सर हमेशा से ये रहा है कि प्रोटोकॉल के ऊपर तनकीद होती है पाकिस्तान के अंदर। देखें किस चीज़ पर तनकीद है ना, ना तो हमारे लोग, हमारे वॉलंटियर्स, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है ना, ये गार्ड्स हैं, ये सब वॉलंटियर्स हैं। ठीक है ना, वॉलंटियर्स हैं, पॉलिटिकल वॉलंटियर्स तो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारी मूवमेंट से ना तो आज तक कभी किसी को डिस्टर्बेंस हुई, ना हमने कभी किसी को हरासा करने की कोशिश की और ना हमारे गार्ड्स
कभी भी किसी बंदे के आगे या किसी जगह पे वो क्लाशन कोफे लेके या कहीं भी निकले, कभी किसी को हरासा करने की कोशिश नहीं की। जाहिर है एक पॉलिटिकल सिस्टम को हम लोगों ने चलाना है, एक पॉलिटिकल पार्टी को हमने चलाना है, अगर हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग नहीं रखेंगे तो आपका तो पंजाब का एक चेयरमैन जो है वो आपको टिकने नहीं देता, हमारे कारकुनान को तंग करते थे, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत करमनवाजी की है। ये मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा कोई इशू है। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये देखा जाता है कि जो यूथ की जो तादाद है वो बहुत कम है, तो यूथ को सियासत के अंदर कैसे लेके आ जा सकता है? देखें, पहली बात तो ये, यूथ को हमेशा हर पॉलिटिकल पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ नारों के लिए इस्तेमाल किए, कि जब इन लोगों ने रैलियों में जलसों के लिए बंदे इकट्ठे करने हो या फिर नारे नूरे लगवाने हो तो फिर यूथ को बुला लेते हैं, अदरवाइज़ इन्हें यूथ की ज़रूरत नहीं है, इन्हें यूथ की ऐसे पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है। आप पॉलिटिकल पार्टी की हाई कमांड को छोड़ें, आप लो लेवल पर देख लें, एक MP MN है अपने इलाके के अंदर यूथ को क्या क्या फैसिलिटेट करता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसे इलेक्शन के अंदर याद आता है कि जनाब इसके पास इतने लड़के हैं, इतने बाइकर्स हैं, ये है वो है, इनको बुला लो, इनको खाना दे देंगे या इनको पैसे दे देंगे, फिर बाइक्स लेके आएंगे। अगर ग्रूमिंग की बात की जाए तो काफ़ी हद तक जो पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड बन गया टिकटॉक, वहाँ पे नौजवान आते हैं, डांस करते हैं, तरह तरह की हरकतें करते हैं, तो हमारे नौजवान पहले उसका एक ख्वाब था कि वो पायलट बने, इंजीनियर बने, लेकिन अब उसका ख्वाब है कि उसके 1 मिलियन वहाँ पे फॉलोअर्स हों। यूथ को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे मोटिवेशन दी जा सकती है, कैसे उसको ट्रैक पे लाया जा सकता है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले अवेयरनेस जो है ना वो आपको एजुकेशन जो है ना वो सबसे पहली जो चीज़ है, एजुकेशन को बेहतर करना है, आपने अपने तलीमी निसाब को बेहतर करना है। आपकी एजुकेशन और है, आपने जाना किसी और डायरेक्शन में, इवेंचुअली वो बच्चा कुछ बन भी जाता है ना, वो डिसार्ड हो जाता है। उस डिसार्ड बंदे को देख के आम दूसरे लोग देखते हैं, बोलते हैं अगर पढ़ के भी ये बनना है तो उससे बेहतर ये नहीं है कि टिकटॉकर बन जाए, ठीक है ना। अभी मसला ये है इस मुल्क के अंदर कि जैसे कोरोना के अंदर साल आपने स्कूल बंद रखे, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे आपने यूथ को बिठा के रखा, उससे आवाम का बेड़ा गर्क हो गया, लिटरली जो आप कहते हैं ना बेड़ा गर्क हो गया। इस टाइम पे आपकी यूथ का सबसे बड़ा मसला ये है कि बिल्कुल पैशनलेस चल रहे हैं, बिल्कुल मीनिंगलेस चल रहे हैं, इनको डायरेक्शन का नहीं पता कि किस तरफ जाना है। कामरान भाई, ये बताएं, एक दिन था कि जब जमहूरी वतन पार्टी बलूचिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाती थी, आज जमहूरी वतन पार्टी के बाद चंद नशिस्तें? देखें, ये हमारा सवाल नहीं है, ये वो हमारा दोबारा रीस्टार्ट है, जिसे कहते हैं ना रीस्ट्रक्चरिंग, रीकंस्ट्रक्शन। 2018 में हम लोगों ने नवाब बकर खान बुगटी के बाद पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा है, और जाहिर है हम लोग का बिल्कुल स्टार्ट था, इस वजह से 2 नशिस्तों पे हम खड़े हुए। अगर हम वहाँ 20 नशिस्तों पे भी खड़े होते तो अल्हम्दुलिल्लाह जीतते, ऐसी बात नहीं थी। सर, इसमें कुछ हद तक सदाकत तो है ना कि एक दिन तक जब आप हुकूमत बनाते थे, आज चंद नशिस्तें, आज आपकी जमात कहाँ पर खड़ी है? उरूज और जवाल तो जाहिर है अल्लाह ताला की उस पर है, ये मैं जवाल नहीं कहता कि देखें, बहुत से ऐसे मामला होते हैं जिनकी वजह से कई बार आपको गवर्नमेंट मिलती है, कई बार आपको नशिस्तें मिलती हैं, कई बार नहीं मिलती। कई बार ये होता है कि आपकी जो बड़ी पाकिस्तानी की जमातें हैं वो भी कई बार सीटें उठाती हैं और कई बार नहीं उठाती। ये तो पार्ट ऑफ गेम है, मतलब इसको आप उस तरह कंसिडर नहीं कर सकते कि आज ज़्यादा है कल कम है। आपकी पॉपुलैरिटी मैटर करती है कि ग्राउंड पॉपुलैरिटी आपकी क्या है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ग्राउंड में बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, आपकी जमात के बलोचिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे थे, अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे थे। शुरू में जो मामला हुए वो एक अलग चीज़ थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन है तमाम इदारों का, जो पोलिटिकल विंग्स हैं, जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारी पार्टी है, सारों का एस्टेब्लिशमेंट के साथ और इदारों के साथ सबके साथ एक अच्छा बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। अच्छा, ये बताएं कि जमहूरी वतन पार्टी पंजाब के अंदर आप लीड कर रहे हैं, आपको लगता है कि पंजाब के अंदर आप मुस्तकबिल में कोई एक सीट भी निकाल सकेंगे? हम इंशाल्लाह स्वीप करेंगे, अल्लाह मालिक है। देखें, पूरे उम्मीद है, अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबानी करने वाली है। यहाँ खान साहब को देख लें, 2013 जब इनका मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ, उससे पहले खान साहब को पूरे पाकिस्तान में कोई कह सकता था ये एक भी सीट निकालेंगे? आज वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो ये मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक आम तस्वीर पाया जाता है कि बलोचिस्तान के अंदर पंजाबियों को बुरा भला कहा जाता है, तो इस ट्रेंड को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और ख़त्म हो चुका है? यार, ये ट्रेंड है ही नहीं, कोई भी वहाँ पंजाबियों को कुछ नहीं कहता, ठीक है ना, पंजाबियों को कुछ कहा जाता है, ना सिंधियों को कुछ कहा जाता है, ना के पख्तूनों को कुछ कहा जाता है, ये सिर्फ एक प्रोपागेंडा है। आप कह लें ना, मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है सूबाइयत के नाम पर, मुल्क के जो आपके शहरी हैं उनको आपस में लड़वाने के लिए, इस तरह का कोई प्रोपागेंडा नहीं है। कोई वहाँ आप जाते हैं पंजाबियों को बुरा नहीं कहता, कोई यहाँ से बलोचों को बुरा नहीं कहता, इस तरह का कोई स्नैरियो मुझे नहीं नज़र आता। इसके हद तक आपकी जमात आपको सपोर्ट करती है?
अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से सपोर्ट है। हम लोग एक क्या कहते हैं नज़रिए पे चलते हैं, एक मोरलिटी पे चलते हैं, और जमहूरी वतन पार्टी जो है वो हमेशा से तमाम मामलों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रही है। तो जमात का तो बैकअप होता है, मेन चीज़ होती है आपका एक स्ट्रगल होता है कि आप खुद कितने पॉलिटिकल हैं, जो आपकी पॉलिटिकल प्रोफेशनलिज्म होता है उसके अकॉर्डिंग फिर जमात भी आपको क्या कहते हैं उस हिसाब से बैकअप करती है। सर ये बताएंगे इस वक्त आप गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, तो किस हद तक पीडीएम ये कहती है, नून लीग ये कहती है कि ये जमात नाकाम हो चुकी है, इनके इत्तेहादी इनको जल्द छोड़ के जाने वाले हैं, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं फिलहाल इस वक्त में हमारा इस ऐसे किसी बात पे गौर नहीं कर रहे हैं हम लोग, हमारी कोर कमेटी जो है वो बिल्कुल भी इस तरह की किसी बात पे गौर नहीं कर रही कि हम लोग गवर्नमेंट को फिलहाल छोड़ेंगे। सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, काफ़ी हलचल होने वाली है, सेनेट इलेक्शन के अंदर आपकी जमात अपना नुमाइंदा नामजद करेगी या फिर गवर्नमेंट का साथ देगी? ये हम लोग की पार्टी की जो कोर कमेटी है ना वो डिसाइड करेगी। जी नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, बड़ी दिलचस्प सियासत के ऊपर। जमहूरी वतन पार्टी के यूथ के प्रेजिडेंट हैं कामरान सईद उस्मानी साहब, और बड़े जज्बे के साथ और जुनून के साथ जो है वो काम कर रहे हैं यूथ के लिए। तो नाज़रीन देखते रहने पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।